अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी गाय का गोश्त खाने की मुखालिफत करती है तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही मेघालय हुकूमत के वज़ीर सनबोर शोले ने रियासत में लोगों को कहा है कि वो चिकन, मटन और मछली से ज़्यादा गाय का गोश्त खाएं। बीजेपी के एक सीनियर लीडर शोले, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते काबीना के वज़ीर की हैसियत से हलफ लिया था, उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर कोई जो चाहे खाने के लिए आज़ाद है, जो कुछ उसके जहन में आता है वो खा सकता है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं लोगों को चिकन, मटन या मछली से ज़्यादा गाय का गोश्त खाने की तरगीब देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को ज़्यादा गाय का गोश्त खाने की तरगीब देने से ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि बीजेपी गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगा रही है। जानवरों की परवरिश और वेटरनरी वज़ीर शोले ने भी यकीन दिलाया कि वो आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करेंगे ताकि पड़ोसी रियासत में गाय से मुतालिक नया कानून मेघालिया में मवेशियों की नकलो हमल को मुतासिर ना करे। आसाम में कुछ जगहों के अलावा कहीं भी बीफ की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। जिन इलाकों में हिंदू, जैन और सिख रहते हैं, वहां गाय के गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी होनी चाहिए। गाय का गोश्त फरोख्त की जगह किसी भी मंदिर से 5 किलोमीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। Bam, hajak aja udah oblang dok share bam baru dok masih. Encourage people to eat more beef than chicken and mutton. Fish. Why? Hmm? Why? Because it will subside that you see that wrong information in the mind of the people that. The BGP is will impose this cow slaughter. दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।